हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर फाइन। सो हम आ रखे हैं रेड फोर्ट और यहाँ पे चल रहा है लाइट एंड साउंड का शो, जो कि 17 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 5 तक है। तो चलिए करते हैं हम भी एंट्री। और हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी, उसका प्रोसीजर आप आगे आगे चेक कर लीजिए। सो इस शो की जो टिकट प्राइस है वो है 1500 और 500, और ये आप बुक माई शो से आराम से बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब। हमने टिकट तो ऑनलाइन ही कर लिया, जैसे आपने देख चुके हो वीडियो में कैसे आपको टिकट बुक करनी है। तो मेरे साथ आ जाया है रिंकू, वही भाभी मेरी लेके करो हाय। तो आज मेरा साथी ये बन के आया, तो चलो करते हैं एंट्री, मिलते हैं आगे। तो टिकट लेने के बाद आपको यहाँ से काउंटर से ही ये आपको बैंड पहनाया जाएगा स्कैन होने के बाद, देन आपकी एंट्री होगी। रिंकू बैंड हम दोनों की, अब करते हैं एंट्री, चलो मिलते आगे। अब एंट्री प्रॉपर हो चुकी है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, छोटे में आई थी घर वालों के साथ और अब आई हूँ। तो चलो शो का आपको सीधा अंदर चल के मिलते हैं आपसे। सबसे पहला पार्ट 10 मिनट का नौबत खाने में देख सकेंगे, उससे अगला शो 10 मिनट का आप दीवाने आम में देखेंगे, और शो के आखिरी 40 मिनट दीवाने खास में आप देख सकेंगे। मीना बाजार क्रॉस करते ही ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है नौबत खाना, और यहीं पर ही आपको पहला शो दिखाया जाएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, एंट्री ले ली है। सो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन शो होगा, फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे। तो चलो जब शुरू होता है, क्योंकि अभी टाइमिंग है, जैसे शुरू होता आपको आगे एक्सप्लोर कर पाते हैं। कहानी है वीरों की, संग्रामों की, और भारत के अतीत के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों की। किले की ये दीवारें भारत के गौरवशाली इतिहास की सदियों से साक्षी रही है। प्रस्तुत है जय हिंद रेड फोर्ट साउंड एंड लाइट शो। सफर करके आए हूं, अनदेखे अनसुने किस्से साथ लाया हूं। मैं वक्त हूं, वक्त। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं, इतवाक माने या तंस, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप, तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल, 400 साल इस किले को। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया, तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। देखिए आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं, ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अपनी नजरें जरा नीचे कर ले, शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहां आरा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। सत्रह
17 साल की ये शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। अब आप कोई और नहीं है बल्कि शाहजहानाबाद के निवासी हैं। चलिए चलिए, जहां पना सबके इंतजार में बेचैन हो रहे होंगे। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, अब जा रहे हैं आराम सब शो देखने के लिए। बहुत ही अमेजिंग था जो वो इंट्रोडक्शन था, तो चलिए चलते हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं दीवाने आम में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं शो के आखिरी पार्ट पे। ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हुई है शूट करने पे, तो जितना मैं दिखा सकी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1739 में फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया, और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुनबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। शो 1 घंटे का था और ये हो चुका ख़त्म। बहुत डिफ़िकल्टीज है शूट करने में, जितने भी यूट्यूबर्स आए होंगे उनको पता है। मैं बिल्कुल भी शूट करने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी, जैसे तैसे हाइड करना पड़ रहा है। तो जितना आपके लिए, ये देख लो, इसको वीडियो बनानी है, 1 मिनट रुक जाओ। तो चलो करते हैं पहले एग्जिट, थोड़े वीडियोज़ बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को एक और यूट्यूबर मिल गई है, और हमें शूट करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है बताओ। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे हमने शूट करा ना हमें पता है, बार बार आ आके हमें टोका जा रहा वीडियो बंद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी करती हूँ वीडियो एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा जितना मैं आपके लिए शूट कर सकी। थोड़ा मूव हो रहा था वीडियो, बट बहुत मुश्किल हो रही थी हमें मीन्स वीडियो क्लिप लेने में। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए।
और बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।